सबसे पहले क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या जरूरत होती है वो प्रोडक्ट दिखाती हूँ, फिर उसको कैसे यूज करना है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले कोम तो पता है, नॉर्मल कोम, बट ये नॉर्मल कोम से अलग कोम है, बड़ी छोटी ब्रिसल्स है, तो ये बैक कॉमिंग के लिए अच्छा पड़ता है। बट एंगल अगर अपना प्रॉपर रहेगा तो उससे भी बैक कॉमिंग, नॉर्मल कोम से भी बैक कॉमिंग होगी। ये वाला कोम भी मैंने एक दिन यूज किया था फर्स्ट डे हेयर स्टाइल। जब एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं और प्रॉपर नहीं बैठता है या अनइवन आता है, हमने पुलिंग किया, हार्ड स्प्रे भी बैठ दिया, बट फिर भी वो लाइन को अच्छे से नहीं बैठी है, तो यहाँ पे इसको देखो क्लियर करने के लिए, लाइन एकदम क्लियर करने के लिए ये वाला कोम काम आता है। तभी फ्रंट में भी कैसे मैंने कोम कर करके उसको फिनिशिंग बिठाया था, वैसे इसलिए ये आगे का पॉप कोम काम है, पॉप कोम। फिर बैक कॉमिंग करते हैं तो किसी के हेयर बहुत सिल्की होते हैं, रफ होगा तो आपका बैक कॉमिंग इजीली हो जाता है, बट जैसे कैरेटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग वाले बाल रहेंगे या ओरिजिनली सिल्की, क्रिम्पिंग करने के बाद भी सिल्की रहते हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे डस्ट पाउडर, ऑसिस है डस्ट पाउडर और अदर कंपनी भी आप यूज कर सकते हो, तो बट हेयर का डस्ट पाउडर होना चाहिए, दूसरा कोई नॉर्मल पाउडर नहीं चलेगा। कैसे यूज करना है इसको ये मैं करके हम लोग करेंगे तभी मैं दिखाती हूँ। हेयर फाइबर, हेयर फाइबर जब स्काल्फ दिख के आता है, किसी किसी का साइड पार्टीशन लेते हैं या साइड एंगल करते हैं तो बीच का स्काल्फ दिख के आता है, बहुत बड़ा गैप रहता है हेयर में, तो स्काल्फ हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं हेयर फाइबर। ब्लैक है, ब्लैक या डार्क ब्राउन अकॉर्डिंग टू हेयर कलर हम यूज करना है। फिर सीरम, सीरम्स मोस्टली कब काम आता है पता है, जब अभी आपने देखा रहेगा नीचे नीचे बहुत कलर वाले हेयर रहते हैं, क्रिम्पिंग करते सब हेयर में, कभी कभी हम पूरा हेयर स्टाइल करना रहता है, मेरमेड स्टाइल है वो, तो पूरा हेयर क्रिम्प करते, क्रिम्प में हमारा टेम्परेचर गलती से यहाँ पे ज्यादा हो गया, क्योंकि कैसे होता है क्रिम्प करते ना तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा नीचे प्रेशर कम देना चाहिए जब आपके हेयर कलर वाले हैं, बट अपना हमारा प्रेशर सब पूरा नीचे तक गया, तो ये केमिकल ट्रीटेड हेयर क्या हो जाएंगे, फ्रीजी ड्राई हो जाएंगे, तो वापस से उसको नॉर्मल करना है तब हम यूज करेंगे सीरम। सीरम वन ड्रॉप लेना है हाथ में, उसको अच्छे से मल्सिफाई करो, इधर नहीं लगाना है, नहीं तो हम जैसे तेल लगाते हैं वैसा काम करें। सबसे पहले फ्रीजीनेस कहाँ निकालनी थी, यहाँ पे ये लिया और मैंने यहाँ पे किया, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मेरा कहाँ लगा, जहाँ पे मेरे रफ है, अब यहाँ पे टुकड़े टुकड़े बाल दिख रहे हैं मेरे को ऊपर, तो वही जो बचा हुआ प्रोडक्ट है यहाँ पे कंप्लीट किया, और इससे भी बचा हुआ प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ ऐसे लगा, नहीं तो क्या होता है सबसे पहले लेके इधर लगाते हैं फिर यहाँ पे आता है हाथ, नहीं नीचे से ऊपर जाना है, सबसे पहला प्रोडक्ट जहाँ पे हमारे हेयर फ्रीजी है वहाँ पे करो, और फिर यहाँ पे आई और फिर बचा हुआ जो लास्ट प्रोडक्ट था मेरे हाथ में वो ऊपर गया, मतलब नहीं जैसा प्रोडक्ट मेरा सिर्फ यहाँ पे लगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे अगर बाल है बट आपको हेयर ऑयल ऑलरेडी है, यहाँ पे किसी का ऑयली रहता है और यहाँ पे हमारे क्रिम्पिंग की वजह से ड्राई हुआ है, तो यहाँ पे ऑयल वाला हाथ नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, शैम्पू आता है ड्राई शैम्पू, क्विक ड्राई शैम्पू, अभी ऑयली टेक्सचर लेके आए हैं कोई क्लाइंट, हम नहीं बोल सकते जाओ वॉश करके, अब यह हमारे पास इतना ऑप्शन भी नहीं होता है, कोई कोई बड़े एज के भी आ जाते तेल बाल में, तेल के बिना उनको चलता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे हम हेयर में से ऑयल निकालना है, हम एक सरफेस रहता है वहां पे ऑयल गिरा है तो वो ऑयल को कट करने के लिए क्या करते हैं, लोट वगैरह रहता है वो डाल के निकाल सकते हैं, कैरम में भी स्मूथ करने के लिए पाउडर डालते हैं, यही पाउडर फॉर्म है, इज अ ड्राई शैम्पू नॉर्मल, यहाँ पे इसका पूरे हेयर ऑयली है, हमको वापस नॉर्मल ड्राई करना है, फ्रीजीनेस लाना है, उठाओ पाउडर फॉर्म है हाथ में, देखो पाउडर फॉर्म, और उसको छिटक दे, पूरा पूरा ऑयल निकल जाएगा, निकल जाएगा इसके हेयर पे, दिखाती हूँ इसके हेयर ऑयली है ना। फिर ये हो गया अदर प्रोडक्ट जो हमें यूज होते हैं, और एक है मूस, कर्ल्स करते हैं तो हमें उसमें क्रीम करने की जरूरत नहीं होती है, वो पार्ट हम स्किप कर सकते हैं, सपोज मुझे आगे तो वेरिएशन देना है, चलो मैंने आगे फ्रंट क्रीम कर दिया, बैक में मुझे पूरे बालों में कर्ल्स करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, क्रिम्प नहीं जरूरत है उस टाइम पे,
हम वहाँ पे मूज एप्लीकेशन करेंगे। मूज एप्लीकेशन से भी हेयर रफ होते हैं, जितने हेयर रफ होंगे उतने आपके कर्ल्स एकदम फिनिशिंग भी होंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। बोलते ना करने के बाद तुरंत खुल जाते। खुलने वाला रीजन एक तो बाल सिल्की है, स्मूथ है, उसमें टिकेंगे नहीं, निकल के खुल जाएंगे, आधा घंटे भी उनके रहते नहीं। मूज एप्लीकेशन से आप जब तक वो रखेंगे धोएंगे नहीं तब तक उनके कर्ल्स एज इट इज टिक के रहेंगे, इसीलिए हम मूज एप्लीकेशन करते हैं। ये हम कर्ल्स करेंगे तो कैसे एप्लीकेशन करना है वो भी बताऊंगी, और क्विक है, आप लगाओगे। बट ये कैसे, साबुन फॉग फॉर्म है तो इसको डायरेक्टली मशीन एप्लीकेशन नहीं करना है, लगाने के बाद ड्रायर घुमाना है, सुखाना है। गीले बालों को कैसे, पहले सुखाते, एग्जैक्टली सुखा दो और फिर यूज करो। अगर किसी के वेट हेयर है तो भी लगा सकते हो, धोके तुरंत क्लाइंट बैठा है तो भी आप वेट हेयर पे लगा सकते हो। वेट हेयर पे इसका रिजल्ट और अच्छा आएगा, ड्राई हेयर पे आपको क्वांटिटी कम रखनी है, ज्यादा क्वांटिटी आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज उनके हेयर ड्राई है। सूखे हुए बालों पे कोई भी प्रोडक्ट शैम्पू वगैरह लगाओगे तो कम क्वांटिटी। यही अगर गीले बालों पे, अगर आपका सैलॉन है, आपने हेयर वॉश किया है और कर्ल्स का कुछ देना है तो आप गीले बालों में ही लगा के स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करके आप स्टाइलिंग कर सकते हो कर्ल्स की। कोई आता है स्टाइलिंग करने के लिए आपके सैलॉन में, वॉश करके आप उसको स्ट्रेट ब्लो ये लगाओ, फिर स्ट्रेट ब्लो ड्राई करो और फिर कर्ल दो। आपका उनके फंक्शन में अगर कोई कर्ल करने आ रहा है तो उनका पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, कर्ल्स रहेगा, निकलेगा नहीं। और अगर आप ब्यूटिशियन हो, कोई सैलॉन वर्क नहीं है, आप वॉश वॉश नहीं करते, ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हो बट क्वांटिटी कम रखनी है। कैसे एप्लीकेशन करना है, हम कर्ल्स के वेरिएशन में मैं ये एप्लीकेशन करने के बाद हम कर्ल्स करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये कैसे यूज करना है। और अब आएगा हार्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे का काम। सबसे पहले एडवांस टेक्निक के लिए हम ज्यादा करके शाइन और हार्ड स्प्रे यूज करते हैं। शाइन स्प्रे वर्क करने के पहले, अभी मैंने यहाँ पे कोई पार्टीशन लिया, मुझे फ्रंट सेक्शन करना है तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन लिया, मैंने क्रिम्पिंग किए हुए होने चाहिए। अभी क्रिम्पिंग किया है तो हेयर क्या है, रफ है, रफ होने की वजह से हमारा स्मूथनेस काम नहीं होगा। तो वापस से हमें उसमें शाइन लाने के लिए और स्मूथनेस लाने के लिए हम क्या पहले क्या करेंगे, सी यहाँ पे मेरे एक तो बेबी हेयर भी है, स्मूथ भी नहीं है हेयर, अगर कहीं पे मैं कुछ उठाऊंगी सी तो क्लियर सेक्शन भी नहीं आ रहा है। तो यही काम क्लियर करने के लिए और बेबी हेयर को सबको बिठाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे में भी 50% ऑयल कंटेंट होता है और स्मूथ करने का काम करेगा। सी शाइन भी आई, अब इसको मैं कोम करूंगी, शाइन स्प्रे करो फिर वापस से कोम करो, देखो है ना। अब यहाँ पे मुझे कोई उठाना है कहीं पे, सी इजीली जहां पे उठाना है वहां पे उठा सकते हो, फिनिशिंग आजू बाजू के कुछ भी खराब नहीं होंगे। अगर मुझे ट्विस्टिंग में उठाना है बेबी हेयर बाद में नहीं सेट होंगे, बेबी हेयर को पहले सेट करना है। या अगर इसमें भी अभी भी बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि इनके टुकड़े टुकड़े बाल क्रिम्पिंग करेंगे तो भी नहीं सेट होंगे। क्रिम्पिंग सिर्फ सेट करने का काम करेगा, रफनेस काम काम करेगा, बेबी हेयर को सेट करने का काम क्रिम्पिंग मशीन नहीं करता है। तो क्या करोगे, तभी आपको ब्लो ड्राई से उसको बिठाना है। हम हेयर कटिंग करते हैं फिर उनको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके देते हैं तो हेयर कैसे स्मूथ हो जाते हैं, बेबी हेयर एक भी नहीं दिखते। वही काम हमें हेयर स्टाइलिंग में भी करनी है। स्पेशली ब्लो ड्राई कौन से हेयर पे पहले करना है, जहाँ पे स्ट्रेटनिंग हुए हेयर है बट रीग्रोथ आ जाता है तो क्या होता है, ऊपर के हेयर सारे रीग्रोथ और नीचे स्ट्रेटनिंग वाले। ऐसे हेयर पे डायरेक्ट क्रीम करते हैं तो नीचे तो हो जाती, ऊपर के हेयर क्रीम तुरंत निकल जाएगी या बेबी हेयर एज इट इज बाहर आ जाएंगे। तो वो हेयर पे सबसे पहले आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है और फिर क्रीम करना है, गॉट इट। पहले ब्लो ड्राई कंपल्सरी कब होगा, जब रीग्रोथ वाले हेयर है या बहुत ज्यादा सिल्की सिल्की हेयर पे भी क्रीम तुरंत निकल जाएगी या बैठेगी ही नहीं क्रीम, तो उस पे आपको सबसे पहले स्ट्रेट ब्लो ड्राई। अभी यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्राई का मीनिंग है कि यहाँ से ऐसे ऐसे किया हमने, एक 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 सेक्शन नीचे से ऊपर में, बट यहाँ से मैंने किया स्ट्रेट ब्लो ड्राई तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट फ्लैट हो जाएगा। तो ये पार्ट पे फ्लैट नहीं होने के लिए हमें यहाँ पे आगे आगे से ब्लो ड्राई करना है। एक तो बॉक्स पार्टिंग लेंगे, यहाँ पे आप भले नीचे करो, ये एक सेक्शन पूरा लिया, ये एक सेक्शन पूरा लिया, यहाँ का एक सेक्शन
बाउंस भी मिलेगा और स्ट्रेट भी होंगे, बेबी हेयर भी कट होंगे और बाउंस भी मिलेगा। फ्रंट में जितना बाउंस उतना आपका काम इजी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 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 सेक्शन और आपका ब्लो ड्राई फ्रंट से होगा, ऐसे ऐसे राउंड मशीन राउंड यहाँ पे ऐसे ऊपर से मशीन और नीचे से ये वापस से सेकेंड सेक्शन ऐसे, और फिर इसको या तो ऊपर लेना है या आपको साइड में लेना है। बाउंस खुद से मिलेगा और जो भी बेबी हेयर है वो एकदम सेट हो, फर्स्ट ब्लो ड्राई देन क्रिम्प करना है। अभी क्रिम्पिंग आप बोलोगे टाइम नहीं है इतना कैसे करे, तो सिर्फ फ्रंट करो, आपकी स्टाइलिंग के हिसाब से क्रिम्प करो। सिर्फ बन बनाना है, पीछे कुछ वेरिएशन नहीं देना है, तो डायरेक्टली सिर्फ फ्रंट करो और पफ का एक सेक्शन सिर्फ जो फिनिशिंग लेयर आता है उतना सेक्शन एटलीस्ट क्रिम्प करो। इतना टाइम लगेगा, हार्डली 5 to 10 minutes लगेगा उतना पार्ट को आपको क्रिम्प करने के लिए, तो वो पार्ट करो, नीचे बन बना दो, पैक कर दो, एसेसरी डाल दो। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे भी वेरिएशन चाहिए, यहाँ पे भी करना है और बन पे भी वेरिएशन देना है, फिर भी मेरे पास टाइम नहीं है उनके बन के ऊपर वेरिएशन करने, तो पोनी आती है, आप वो पोनी यूज कर सकते हो, रेडीमेड पोनी है ना। जो आप घर से प्रिपेयर करके जा सकते हो, ब्लैक में भी आती है ये ब्राउन कलर की। तो ये अगर आपको बन में वेरिएशन करना है तो यही बालों का बन में वेरिएशन के लिए यूज करने वाले थे, तो मैं क्या करूंगी, ये बालों को मैं घर से क्रिम करके जाऊंगी, रेडी करके जाऊंगी वेरिएशन के लिए। मेरी जो ओरिजिनल हेयर है उसका मैं बन बना दूंगी, बट तब भी मैं ऐसे इसके साथ में हम अटैच कर देंगे, तो ये बन का बाल को मेरे को क्रिम्पिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी तभी क्लाइंट के ऊपर, और मेरे को वन लेंथ मिल गई, कटिंग वाले हेयर भी नहीं है, तो ये लेंथ को मैं इसको मैं वेरिएशन के लिए रखूंगी। यहाँ पे रबर बैंड करके बैक कॉमिंग करके इसको बन बना दूंगी, अंदर डाल दूंगी, और ये जो मेरे आर्टिफिशियल हेयर है वो मेरे वेरिएशन के लिए, जो वेरिएशन करना है मैं उसके लिए यूज कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास टाइम नहीं है या तो ये इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, मैं ब्रेड सिखाऊंगी, वो घर से ब्रेड रेडी करके जाओ, सिर्फ ऐसे डालो अंदर और बन बनाओ और ब्रेड को सेट कर दो, तो भी 2 मिनट का काम है, सेट करने कितना टाइम लगे, सब कुछ घर से आप करके गए, सिर्फ वहां पे जाके आपको उसको सेट करना है। यही अगर ओपन वेरिएशन, अगर मेरमेड स्टाइल करना है, मेरे पास टाइम नहीं है मेरमेड स्टाइल करने के लिए, फ्लैट हेयर चाहिए, क्रिम तो कंपलसरी, अगर मेरमेड करने वाले हो पूरे बालों में कंपलसरी, स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट के भी आते हैं ऐसे, स्ट्रेट के भी ऐसे आते हैं स्ट्रिप्स, अगर बाल कम है तो भी डाल सकते हो, या तो मेरमेड के लिए इनके ओरिजिनल बालों का बैक कमिंग करके मैं एक बेस बना दूंगी, पूरे बाल अंदर, ये मैं ऊपर ले लूंगी, इसके ऊपर पफ आ जाएगा तो ये पार्ट छुप जाएगा मेरा लगाया, और मैं इसको मैं वेरिएशन के लिए यूज करूंगी, तो भी हो गया, तो पूरे बालों को मुझे उसमें भी क्रिम करने की जरूरत। एक्सटेंशन होती है आपकी कर्ल्स वाली एक्सटेंशन, आप वो भी अटैच करके मेसी लुक के लिए यूज कर सकते हो, तो वो कैसे करना है हम वो सब सीखेंगे, कि फटाफट फटाफट करना है या उनके बालों का भी करना है तो भी हमें आना चाहिए, दोनों में फटाफट करना है, टाइम नहीं है तो एक्सटेंशन यूज करके कर सकते हैं, टाइम है अच्छे से करना है तो भी उनके बालों का कैसे करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। और हाँ, हेयर फाइबर तो आपको पता है, उस दिन मैंने यूज भी किया था हेयर फाइबर, सिर्फ बनाना कैसे वो सिखाऊंगी आपको, अटैच कैसे करना है वो दिखाया था वो फर्स्ट मॉडल पे। और डोनट, अभी स्टफिंग की बारी, स्टफिंग में एक छोटा स्टफिंग, डोनट तो पता है बड़ा साइज छोटा साइज 3 अलग अलग साइज आते, इसमें भी 2 अलग अलग साइज आती है, ये एक बड़ा एक छोटा, बड़ा और छोटा क्यों लिया, वेस्टर्न वेरिएशन करते हैं तो अपना वेस्टर्न वेरिएशन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक होता है, तो जो बेस चाहिए वो बड़ा चाहिए तभी, बट बन में अगर करेंगे तो बन के लिए बहुत बड़ा हो गया, तो बन के लिए तभी छोटा साइज का बेस चाहिए। ये सब भी हम हमारे खराब हुए एक्सटेंशन से बना सकते हैं, बट वो कैसे बनाना है वो बताऊंगी, कि या रेडीमेड भी मिलते हैं बट इतने ही सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं चलेंगे, सॉफ्ट।
या राउंड, राउंड में भी बन बना सकते हैं, राउंड एक दो तीन और डोनट, डोनट तीन चार, और ये डोनट को ओपन किया हुआ फॉर मर्मेड स्टाइल बेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये उसका ही खोला हुआ पार्ट, ये बहुत बड़ा रहता है, मैंने उसको तीन चार में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारा हेयर लेंथ इतना ही होता है, तो इसको तीन एक पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने कट करके। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? अभी इसको खाली लास्ट वाला कैसे डिवाइड किया? कट करके। अच्छा, कैंची से? मतलब ये एक ही है ना? ऐसे यानी आप खोली नहीं? हाँ, खोल दिया पूरा, पूरा खोल दिया, पूरा खोल दिया, फिर इतना बड़ा होता है। अच्छा, बड़ा साइज है ना वो? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए वो बड़ा है। तो उसको तीन बनाया, तीन कर दिया कटिंग। नहीं तो क्या करना पड़ता है, पूरा रखेंगे तो उसको फोल्ड करके यूज करना पड़ता है। नहीं, मुझे लगा मुझे वही तीन क्लाइंट के लिए काम आ सकता है, उसको मैंने कट कर दिया, तीन पे यूज हो सकता है। यही समझा नहीं था, बस कट कर दिया। इसे भी और दो तीन है, इससे बड़ा हो, इतना बड़ा हो जाता है ना, तो इतना कट कट करके तीन को कर दिया डिवाइड। अच्छा है घर का काम हो सकता है ना, क्यों बेस भी बना सकते हैं। अभी सबसे शाइन्स, ऑसिस में तो शाइन्स स्प्रे पता है फर्स्ट बेस्ट है, ये यूज कर सकते हो। फिर हार्ट स्प्रे में, हार्ट स्प्रे कब करना है, जब आपका वर्क होल्ड करना है तब। यहाँ पे मैंने कूलिंग कर दिया, यहाँ पे कूलिंग किया, यहाँ पे कूलिंग किया। अब इसको होल्ड करने का काम हार्ट स्प्रे करता है। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट एंगल दोनों साइड। अब ये डाउन है, नीचे की साइड है, तो आप कहाँ से करोगे, नीचे से करोगे या ऊपर से करोगे? मेरे को इसको ऐसे डाउन से अप रखना है, यहाँ से चाहिए कि यहाँ से चाहिए कि वो होल्ड। सीधा करूंगी तो कोई मतलब नहीं है, इसको अभी डायरेक्शन में करना है। अब मैं हाँ, पहले कहाँ करेंगे, इस तरह ऊपर ऊपर, और फिर इसको मैं ऊपर धक्का दूंगी कि ये चिपक ना जाए, और जो एक एक पार्ट है एक के पीछे एक सब अलग अलग दिख की है, एंगल यूज करेंगे वहां पे भी। हार्ट स्प्रे फर्स्ट हाफ, सेकंड बेस्ट ऑसिस, और सबसे बेस्ट बी प्रोफेशनल। इसमें क्या होता है, ये बनता केमिकल प्लस पानी से, जिससे स्प्रे होता है वाटर स्प्रे। इसमें पानी ज़्यादा है, केमिकल कम है, तो आप बहुत संभाल के जैसे हाथ लगाओगे चिपक जाएंगे, क्विक ड्राई नहीं होगा। उसको ड्राई करने के लिए आपको यूपिन होल्ड करके रखनी होगी, जबकि आप ये यूज़ करोगे तो आप एक तो मैट फिनिश मिलेगा और क्विक ड्राई। आप इसको हाथ लगाने के बाद भी हाथ इतना यहाँ पे देखो, अभी इसको मैं करती हूँ, तुरंत, और हाथ लगाते भी स्टिकीनेस भी नहीं आएगा, ये अभी भी गीला है। सी हाथ लगाओ तो आपको समझ में आएगा, वो अभी भी गीला है, है ना, लगाने के कितना टाइम हो गया तो भी गीला है, और वो तुरंत क्विक सूख जाएगा। आपका हाथ चिपकेगा ना तो भी फर्क नहीं आएगा इसमें। अब ये मेरी लाइंस बहुत अनइवन आई है, प्रॉपर नहीं बैठी है, तो हम क्या करेंगे, हार्ड स्प्रे के बाद इसको क्लियर भी कर सकते हैं। सी क्लियर हुई, यहाँ पे भी ये बहुत स्मूथ होगा। हार्ड स्प्रे के बाद भी मैंने किया ना, सी कितना स्मूथली उसका स्प्रेडिंग अभी भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है देखो, है ना, चिपका चिपका हुआ लग रहा है। तो ये फर्क है दोनों स्प्रे में। हाँ, बट ये 350 का आता है, ये 2000 का आता है, बट फर्क है। ये आपका चार पांच बॉटल यूज करोगे तब तक ये एक बॉटल ही यूज करोगे, क्वांटिटी में भी फर्क है, काम भी। ये 10 बार स्प्रे करना पड़ता है, ये एक ही स्प्रे में काम हो जाता है, क्वांटिटी भी कम है, क्वालिटी भी अच्छी है, सब अच्छा है। रियल हेयर पे, स्पेसिफिकली रियल पे ये बहुत अच्छा है, ये इतना वर्क नहीं देगा जितना ये देता है। तो एज अ वर्क करते हो ब्राइट वाइट पे, फिनिशिंग एकदम प्रॉपर, एक भी बाल इधर से उधर नहीं चाहिए, तब भी प्रोफेशनल यूज करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। होल्डिंग भी फास्ट फास्ट होगा, काम फटाफट देगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अभी पिंस की बारी, कौन सी पिन चाहिए, क्या क्या चाहिए। सबसे पहला
पिनिंग में आपके मेकअप की वैनिटी होती है, वैसे हेयर का अपना बॉक्स होता है। तो इसमें क्या क्या जरूरी है, छोटी पिन, बड़ी पिन, छोटी बॉबी पिन, सॉरी बड़ी बॉबी पिन है और स्मॉल साइज की, दोनों का काम अच्छा है। फिर यू पिन की बारी आती है। पुलिंग टेक्निक के लिए आपके पास होनी चाहिए 7 नंबर यू पिन, 7 नंबर की यू पिन, और एक साइज होती है बड़ी 9 नंबर की यू पिन। ये 7 और 9 क्या काम करती है, जब मेरा पुलिंग इतना है तो ये इतना बड़ा मैं यूज नहीं करूंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा और होल्डिंग का काम भी नहीं करेगा क्योंकि गैपिंग ज्यादा है, इसीलिए हम यूज करेंगे ये। मैंने कितना लगाया, सिर्फ रूट टच किया और बाकी बाहर रखा है। क्यों बाहर रखा, अगर इन केस मुझे और स्प्रेडिंग करना है तो सी रह गया, बट ये ऐसे नहीं रहेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा पुल करने के लिए खींचो और अब रहा, उठा के स्प्रे करना है फिर छोड़ना है। इसमें भी आप, अगर इसकी हाइट मुझे बढ़ानी है इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा डाला, तो इससे भी ज्यादा हाइट खींच सकती होगी यहाँ पे, तो नहीं होगा। ये डाला और मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, तो ये मेरे को जितना ऊपर लेके जाना है उतना ऊपर लेके जा सकती हूँ। पिन में गैपिंग है, बड़ा है, अब मैंने यहाँ पे स्प्रे किया, रह गया, जितना ऊपर रखना है उतना, बट तुरंत यू पिन नहीं निकालनी है, तुरंत की तुरंत निकालूंगी तो ये फॉल हो जाएगा। बी हार्ड डमी है तो स्टे किया, बट रियल है तुरंत फॉल हो जाएंगे, उसको रहने देना है, ड्राई होगा फिर निकालना है, तुरंत नहीं। दूसरा इसका काम आएगा, ये तो चलो बैक में हम इतनी बड़ी पुलिंग प्रैक्टिकली कोई नहीं करते, छोटी छोटी, बट फ्रंट तो करते ही है, फ्रंट स्प्रेडिंग तो रहता ही है हमारा, फ्रंट एस फॉर्म देते हैं तो बड़ा रहता है, तो छोटी वाली यू पिन क्या काम आएगी उसमें। यहाँ से मैंने एस फॉर्म के लिए बाल निकाला, अभी यहाँ पे जितनी बड़ी स्प्रेड करेंगे उतनी बड़ी यू पिन चाहिए। किसी के बाल अभी लेयर कट वाले रहते हैं, पीछे तक हेयर ही नहीं आते, टुकड़े टुकड़े बाल रहते, तो हम कैसे उसको पकड़ के रखेंगे। पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए कि वो स्प्रे करने के बाद वो होल्ड रहे। सपोज स्पेशली कटिंग वाले हेयर पे बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ से तो ऊपर लिया बट यहाँ से बाल टुकड़े इतने ही होते हैं लेयर कट वाले पर, तो हम उसको होल्ड कैसे करेंगे। तो इसको होल्ड करने के लिए यहाँ से ऊपर उठाया तब मैंने 7 नंबर, क्योंकि इतना ही ऊपर लेना है, बट यहाँ से नीचे 7 नंबर काम आएगा कि पिन की साइज ही इतनी है, तो वो होल्ड क्या करेगा, तब हमारा ये बड़ी वाली यू पिन काम आएगी जो बालों को पकड़ के रखेगी। सब बाल को पकड़ के रखा, यहाँ पे अपन ने पिन कर दिया, इसको मुझे ऊपर उठाना है तो भी मैं इसको एंगल देके ऊपर लेके गई। ये काम छोटी पिन से होता था नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा अंदर चला जाता था और बालों को भी ऐसे ले देता था, तो ये तब आपका जब बड़ा स्प्रेड रहेगा तब बड़ी वाली यू पिन काम आएगी। छोटे काम के लिए छोटी, मतलब 2 साइज हो गई, 7 नंबर 9 नंबर, और एक साइज होती है छोटी वाली, एकदम छोटी, ये इनविजिबल से थोड़ी बड़ी है। ये कब काम आएगी, कुछ वेरिएशन करते हो आप, सपोज मैंने मेरमेड स्टाइल किया, यहाँ पे ऐसे लिया, बट इसका पिनिंग मैंने यहाँ पे किया है, वापस यहाँ से लिया, ये तो नीचे नीचे फॉल होगा, इसको आपको पकड़ के रखना है तो आपकी छोटी इनविजिबल यहाँ से डालनी होगी तो वो जगह पे प्लेस होगी, नहीं तो सब नीचे नीचे गैपिंग भी हो जाता है कभी कभी, उसको होल्ड करने के लिए स्पेसिफिकली तब आपको ये छोटी छोटी यू पिंस काम आएगी। हम आगे भी वेरिएशन करते हैं, यहाँ से स्प्रेड करते हैं फिर यहाँ से ऊपर लेके ऐसे स्प्रेड करते, बैक कॉमिंग सॉरी होल्ड करने के वक्त तो हम यू पिन लगाते स्प्रे भी कर लेते, बट ये कोई जादू तो नहीं है कि स्प्रे करके वो बाल नहीं चिपकेंगे, बाल खड़े रहते बट उसके साथ चिपक के नहीं रहते, तब आपकी ये छोटी वाली यू पिन को अंदर से डाल के इसको यहाँ पे पकड़ना पड़ता है, तब वो जाके ये निकालेंगे तो वो रहेगा, नहीं तो जैसे ये पिन निकाली वैसे ही वो गिर गया। तो उसको पकड़ने के लिए आपको यह अंदर से ये डालनी होगी, तो ये छोटा पिन काम करेगा, तब आपका ये बड़ा वाला काम नहीं है, ये सिर्फ होल्डिंग का काम करेगा, खड़ा रखने का, होल्ड करने का, ये सब जब पकड़ने का काम आएगा तब आपकी छोटी वाली पिन काम आएगी। तो ये 3 साइज की पिन काम आती है, बॉबी पिन मैंने बताई, अब आएगा सेक्शन पिन।
एक तो सेक्शन को होल्ड करने काम आता है, प्लस रियल हेयर में जब फ्लावर क्रिएशन करेंगे तब आपका काम आएगा टर्निंग को होल्ड करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, एक ही बस हो गया बड़ी साइज की सेक्शन क्लिप, इनफ है। रबर बैंड भी अच्छी रखनी है, दो आती है, एक वाइट और एक ब्लैक, बट रफ लेने की, रफ स्मूथ नहीं लेने की। क्यों मैं स्मूथ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि स्मूथ में एक तो पोनी बनाते ही लूज हो जाती है, रहती नहीं। दूसरी, हम ब्रेड बनाएंगे, किसी के बहुत बड़े बाल होते हैं ब्रेड के लिए, तो हम पोनी बनाते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे, पर उसकी जगह पे अगर विदाउट ट्विस्ट आपको रबर बैंड करनी है तो भी आपकी ये रफ रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो मैं देखो ऐसे कर रही हूँ, टर्न किया, यहाँ से मैंने इसको 1-2 फोल्ड एंड इसको इन सेंस आपको यहाँ से ऐसे लिया, ये दोनों को टर्न किया, दो बार टर्न करना है, इसको मर्ज कर देना है, फिर टाइट करके छोड़ देना है, तो भी रबर बैंड हो गई। या ये कब काम आती है, जब एक ही साइज चाहिए ना और थोड़ा भी मोल्ड नहीं चाहिए, एक साइज रहेगा तो आपका पुलिंग भी अच्छा होता है, साइज इक्वल रहती है और इक्वली होता है। तो ये जब स्ट्रेट ब्रेड बनाओगे या ट्विस्ट करके तब आपका ये रबर बैंड बहुत काम आता है, तो रबर बैंड अच्छी रहेगी तो ये चीज करोगे। निकल भी गया, कई बार रबर बैंड खींचते तो बाल बहुत खींचते हैं, तो ये तरीके से भी आप रबर बैंड कर सकते हो। और नेट, एकदम नॉर्मल नेट रहती है, छोटी साइज की नेट, बन बनाया बाल टुकड़े टुकड़े हैं तो सिर्फ उसको कवर करने काम आएगा, बट यही अगर बैक कॉमिंग से हमने किसी के बालों का बन बनाया तो वो साइज कितनी देगी, इतना ही साइज देगा, बड़ा छोटा करना है तो वो साइज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसमें फिर बड़ी साइज की नेट यूज करते हैं। जो साइज चाहिए वो साइज हम इसमें डाल के बना सकते हैं, जितना बड़ा बन चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं, जो शेप चाहिए वो शेप हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बन में हम देखेंगे कि कैसे इसको बैक कॉमिंग से हम यूज कर सकते हैं। इनको जाना है क्या अंदर खेलना है, अंदर जाने है सोई नहीं है उसके ऊपर नहीं। और एक चीज, वुडन स्टिक, वुडन स्टिक पफ बनाते हैं या कहीं पे होल्ड करना है, एक दूसरे के बीच में गैपिंग रखनी है तो काम आएगा, या पफ बनाएंगे। पफ में क्या होता है, यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं तो जो पुलिंग करते हैं बस इतने में ही होती है, नीचे प्लेन हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों जगह पे वुडन स्टिक रखेंगे तो बीच का पार्ट खुला रहेगा, तो ये पूरा लेंथ हम नीचे तक ले सकते हैं। तो ये मैं पफ करते करते अब सब बताती हूँ कैसे यूज करना है, नहीं तो ऐसे रफली समझ में नहीं आएगा, करेंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा। चलो अभी सबसे पहले स्टार्ट करने के वक्त सबसे पहला पार्ट होता है मिडल पार्ट एंड ईयर टू ईयर सेक्शन प्रॉपर होना चाहिए आपका। फर्स्ट सेक्शन यहाँ से नोज एरिया से ऊपर, ये कब काम आता है, एग्जैक्ट मांग टिक्का डालना है तो ये अगर टेढ़ा मेढ़ा रहा तो आपका मांग टिक्का भी टेढ़ा मेढ़ा रहता है। आप क्लाइंट बोलेंगे मुझे मिडल नहीं चाहिए साइड चाहिए, स्टिल यू हैव टू डू मिडल पार्टिंग फर्स्ट। फिर ईयर टू ईयर सेक्शन यहाँ से लिया अराउंड 4 फिंगर आपका फर्स्ट फ्रंट वेरिएशन, यहाँ से सीधा क्लियर लाइन, क्लियर एंगल कहाँ पे आया, एट द मिडल पॉइंट ऑफ ईयर, इसको होल्ड करना है। सेकेंड सेम यहाँ से जो लाइन आ रही है वही लाइन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, बट ये क्या करना है, पहले आपको पार्टीशन जहां पे भी करना है वहां पे हेयर को वो डायरेक्शन में कोम करो, यहां से लिया सीधा सेक्शन क्लिप लिया और होल्ड कर दिया। अभी पफ, पफ कितना सेक्शन दोगे,
बैक कॉमिंग कर लें। फर्स्ट सेक्शन बन करते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, इतना बड़ा सेक्शन स्पेसिफिकली बन, इतना सेक्शन भी ले सकते हो यहाँ पर पफ के लिए और ये पोनी बना के बन के लिए, बट यहाँ पे इतना भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। ग्रोथ कम है तो पूरा ईयर तक लो, ग्रोथ ज्यादा है तो इतना सेक्शन ही ना। ये सेक्शन आपको मरमेड स्टाइल में काम आएगा, ओपन वेरिएशन के लिए भी काम आएगा, किसी में भी पफ बनाना है तो आपको ये सेक्शन काम आएगा। इतना ही सेक्शन लेते हैं और यहाँ पे पी इसको अभी रबर बैंड करेंगे। कहाँ पे पोनी होनी चाहिए? बन तीन टाइप के होते हैं, हाई, मीडियम, लो। नॉर्मल बन आपका मीडियम पे होना चाहिए। वेस्टर्न क्रिएशन करना है तो आपका हाई या उससे भी हाई, दो अलग अलग चीज हो जाती है। बट जब ट्रेडिशनल बन करते हैं तो नॉर्मल बन में आपका सेक्शन इतना सेक्शन, मिडल ऑफ द ईयर, एग्जैक्ट मिडल ऑफ द सेक्शन, 3-4 फिंगर अप, ये आपका नॉर्मल बन का सेक्शन हो गया। यहाँ पे फोल्ड किया। अभी यहाँ पे बहुत बार रियल हेयर पे बेबी हेयर ज्यादा होते हैं, तो ये सेक्शन को ऊपर लो, कॉम किया और ऊपर लिया, नीचे से स्प्रे करो और सारे हेयर को ऊपर से ले लो। फिनिशिंग स्टार्ट होनी चाहिए एट दी स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हो गया। सेम अगर ऊपर भी स्प्रे करना है तो ऊपर स्प्रे करके उसको एकदम फिनिशिंग से चिपका लो। ये हो गया आपका एकदम फिनिशिंग लेयर एट दी स्टार्टिंग, डबल रबर बैंड एंड यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे क्यों टूट रही है आज पी रबर बैंड से है ठीक है। यहाँ पे पोनी बनाया, अभी बॉफ का सेक्शन। ओके वो बैठ गया है। पफ सेक्शन उसे हमने रियल पे भी पफ देखा था, सेम प्रोसीजर, नीचे से ऊपर जाएंगे, पफ बहुत अच्छा आना चाहिए, ब्राइड हो साइडर हो, पफ अच्छा बैठा कि सब अच्छा। फर्स्ट सेक्शन सबसे पहले, अगर पफ में नहीं समझ में आता एंगल, यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन है वो रिमूव किया, यहाँ से क्रॉस सेक्शन है उसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी मेरे पास सिर्फ स्ट्रेट सेक्शन है, अभी स्ट्रेट सेक्शन पे पहले वर्क करेंगे। यहाँ से फर्स्ट सेक्शन और इसको निकालो, पतले पतले सेक्शन में वर्क करो। ज़्यादा बैक कॉमिंग करनी है तो आपका डिग्री 90, 45, 90, 180, जो स्ट्रेट बालों से स्ट्रेट रहेगा वो आपका 90 डिग्री। ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे, जितना ऊपर जाना है फिर आप ना ऊपर जाओ। यहाँ पे बैक कॉमिंग किया, अप टू डाउन मैंने स्प्रे किया, उसको प्रेस करो एंड डाउन और उसको स्प्रेड। फर्स्ट अगेन, बीच बीच में आप हेयर फाइबर भी डाल सकते हो, हाइट क्रिएट करनी है अच्छे से तो। और नेक्स्ट मेरा लेयर है फिनिशिंग लेयर, तो यहाँ पे मेरी बैक कमिंग होगी 180 डिग्री और एकदम मिनिमम बैक कमिंग में वर्क करेंगे, पकड़ के फुल स्प्रेड करना है। ये हो गया मिडल पार्ट स्प्रेडिंग, मिडल वन। अभी यहाँ पे तो अब बाकी है
इसका एंगल लेना है ऐसे, जो एंगल में हेयर है वही एंगल में वर्क करो। यहाँ पे आया, ये सही। पिन कर दिए, जितना हाइट चाहिए उतना ऊपर उसको खींच लो। ये बैक साइड का मेन बल है, ये बड़े लोगों को भी चलेगा, राइट को भी, जिसको हाइट आगे से नहीं चाहिए उनके लिए। अगर ज्यादा हाइट चाहिए तो दूसरा बल है उसके लिए, ये फिर नहीं चलेगा। जिस राइट को दुपट्टा वगैरह डालना है, हाइट क्रिएट चाहिए, तो उनका फिर आगे से आएगा। तो ये सिर्फ बैक एडवांस वेरिएशन के लिए काम आता है, मैच्योर लोगों को काम आता है, जिनको ज्यादा हाइट नहीं चाहिए उनके लिए काम आएगा। ब्राइड के लिए भी हाइट नहीं चाहिए, ऑलरेडी लंबा फेस है, हाइटेड है, मुंह बड़ा है, तो उनके लिए भी यही आप कर सकते हो। इसकी पिनिंग कैसे होगी, अभी ये मेरा फिनिशिंग लेयर आ गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शाइन स्प्रे, कैसे शाइन स्प्रे किया, अब इसको पिन करना है। पिनिंग कैसे होना चाहिए, एक एंगल, दो एंगल, तीन, राउंड शेप में पिन होना चाहिए। अभी यहाँ पे कर दिया तो भी कोई मतलब नहीं है, ये पार्ट का गैपिंग, तो ये एग्जैक्ट आपकी रबर बैंड पे इसकी पिनिंग। पिनिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट एंगल मैंने यहाँ पे मुझे पिन करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रेस किया, मेरी फिंगर रखी, बेस और ये साथ में लेना है, पिन ओपन किया, नीचे से पोनी से स्टार्ट करके आपका फर्स्ट सेक्शन पिनिंग का यहाँ पे, फिर यही एंगल को यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ से हुआ, इससे मेरा आगे का शेप भी खराब नहीं होगा, एट दी एंड मेरी एक भी पिन भी नहीं दिख जाएगी। ये दो साइड हुआ, फिर यहाँ पे अभी मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट मेरा, तो मुझे यहाँ पे प्रेस करना है एंड पिन ली, फर्स्ट यहाँ पे खड़ी ऐसे क्रॉस एंड सेकंड यहाँ पे प्रेस करो और पिन करो। पूरा राउंड शेप में आपका पिन होना चाहिए, अभी कहीं पे दबा हुआ लग रहा है तो उसको प्रेस ऊपर खींच लो। ठीक है, ये हो गया पिनिंग। अभी नॉर्मल पिन, इसमें अगर आपको पुलिंग करनी है, पफ की हाइट नहीं है तो आप ज्यादा बड़ा पुल कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली बड़ी बड़ी पुलिंग भी कोई नहीं लेते हैं, तो जितना बनेगा उतना सॉफ्ट पुलिंग करेंगे। सॉफ्ट पुलिंग क्या होता है वो देखेंगे। ये पिनिंग समझ में आई, पिनिंग कैसे करनी है। अभी पुलिंग करना है तो पहले आपको बालों को लॉक नहीं करना होता है, पहले आपको क्या करना है, पुल करके पुलिंग को लॉक करना है, फिर ये करना है। मैंने बताया था आपको यूज करना है वुडन स्टिक ओपन रखने के लिए और पफ को लॉक करने। अभी यहाँ से मुझे पफ एरिया है, इसको होल्ड पकड़ के तो मैं रख नहीं सकती, पकड़ूंगी तो मैं पुल कैसे करूँ। तो ये मेरी पोनी है, वहां पे मैंने इसको लगाया, हेयर फॉल नहीं होंगी, यहाँ से भी इसको लगाया, दोनों साइड ये लगा के रख दिया। डमी के हेयर जल्दी फॉल नहीं होते, झाड़ू जैसे होते, बट रियल हेयर तुरंत गिर जाते हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए ये सब चाहिए ही चाहिए तब। अभी इसको हम पुल करेंगे। पुल दो टाइप में होती है, एक सॉफ्ट और एक डीप पुल। फर्स्ट
जहां से आपको पुलिंग करना है वो एरिया पकड़ो, यहाँ पे मैंने ये पिंच लिया, दूसरे हाथ से इसको क्लियर करेंगे, वापस से क्लियर, दिख रहा है यहाँ पे मुझे एक तो इक्वल गैपिंग वन वन यहाँ पे पुल करना है। पहले मैंने सेक्शन को खींच लिया, देखो सेक्शन बाहर आ गया, ये होल्ड करके फिर सेक्शन क्लियर करना है, फिर उसमें आपको जितना ऊपर खींचना है सिर्फ ये सेक्शन को ऊपर खींचना है सिर्फ, लेकिन नॉर्मली हम इतनी ही करते हैं, ये बहुत ज्यादा अभी रन में है, सॉफ्ट पुलिंग एकदम सॉफ्ट, सिर्फ खींचना है, लाइन सिर्फ दिख के आती है, ऊपर खींचनी नहीं होती है, बस इतनी, बस इतना खींचो क्लियर करो और गैपिंग भी कम कम गैपिंग में वर्क करो। खींचा यहाँ पे, यहाँ पे खींचा लिया सिर्फ, यहाँ पे भी और करती दो थी, कम करेंगे, सॉफ्ट सिंपल पुलिंग लेना है तो गैपिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कम कम गैपिंग में, जिसको होल्ड भी करना है तो होल्ड कैसे करेंगे, एक 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 को एक साथ पूरा स्प्रे नहीं करना है, एक 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 को स्प्रे करो, फिंगर से क्लियर करो, सी जैसे जैसे मैं स्प्रे कर रही हूँ और शार्पली दिख के आ रहा है, एक साथ करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे करूंगी तब तक तो वो हो स्प्रे होके सूख के होल्ड भी हो गया रहेगा, तो डायरेक्शन जो देना है वो भी नहीं हो पाएगा, सी गया, कुछ चेंजेस करने हैं कुछ है, तो जब तक गीला है तब तक सब होगा, नहीं हुआ यहाँ तक बराबर हुआ, यहाँ पे स्प्रे सूख गया तो कुछ काम नहीं हुआ, बट यही अगर मेरा गीला है और मैं हाथ घुमा रही हूँ तो और अच्छे से हुआ, सिर्फ क्या किया मैंने हाथ को सिर्फ घुमाया, दबाया किसी को भी नहीं है या कुछ चेंजेस भी नहीं करने हैं, अगर चेंजेस करने हैं तो ये आपका ये उठाओ और यहाँ पे से कहीं पे पुलिंग के बीच में ऐसे गैप रह जाती है ना या नीचे के हेयर खराब हो जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ कोम करने के लिए, ये खराब दिख के नहीं है अंदर का। अभी इसको लॉक करने का और एक तरीका, पुलिंग दबनी भी नहीं चाहिए, अपना लॉकिंग भी अच्छा होना चाहिए, तो एक रबर बैंड लिया, पिन वन साइड पिन एंड सेकेंड साइड यहाँ पे पकड़ना है, फर्स्ट पिन की निकाल दिए, इसको पकड़ के रखो और दूसरी साइड अगेन, इससे आपकी यहाँ की कोई भी पुलिंग खराब भी नहीं होगी और रबर बैंड के साथ बॉबी पिन के साथ ये भी मिक्स हो गया। यही स्टेज पे आपको अगर गन पे वेरिएशन करना है तो इसको भी साथ में लगा दो यहाँ पे, ऐसे ये ऐसे नहीं लगाना, नहीं तो ये दिख क्या है, इसको ऑलवेज ऐसे ये अंदर चला जाना चाहिए आपके रबर बैंड के साथ और फिर इसका वेरिएशन। तो ये हो गया मेरा वेरिएशन के लिए, इतने ही बाल है जितने इसके इतने ही बाल है, अभी तो ये हम ऊपर डाल देंगे और यहाँ पे रबर बैंड वापस कर देंगे, इसको हम बैक कॉमिंग से बन बना देंगे, हाइट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के बालों के हिसाब से, ये आपके वेरिएशन के, ये बड़ा है अगर मुझे इसको ब्रेड बनाना है तो मेरे को बड़ा लेना, या तो इसमें छोटे छोटे साइज के भी आते हैं जो इतने इतने बस हो जाते हैं वेरिएशन के लिए, तो वो अकॉर्डिंग टू वो साइज में आप चूज कर सकते हो, आपकी बड़ी वाली एक्सटेंशन चाहिए छोटी एक्सटेंशन चाहिए। इसको बन कैसे बनाना है दो तीन बन दिखा देती हूँ, पुलिंग समझ में आया, पफ का पार्ट समझ में आया, कैसे करना है, कहाँ से पार्टीशन, बैक कॉमिंग कैसे करना है, स्प्रे कैसे करना है, ठीक है बन देखते हैं। फर्स्ट बन आपका सबसे पहला लंबा वाला बन दिखाती हूँ, यहाँ पे नॉर्मल बन बनाना है सिंपल क्विक, इसको शाइन स्प्रे किया, बालों को सॉफ्ट किया, कल जैसे हमने इन पे किया कि
वेरिएशन नहीं करना है, डायरेक्टली बन बना के डालना है। इसको मैंने नीचे से अंदर फोल्ड किया, टाइट करना है, ये ओवल शेप बनेगा आपका। यहाँ पे लिया, यहाँ पे इसको हम फोल्ड कर देंगे, दोनों जगह पे पिनिंग कर देंगे। बड़ी वाली यू पिन यहाँ से ऐसे और अंदर इन आउट। स्टफिंग को कैसे कभी भी ऐसे इन आउट में लॉक करो। ये अभी भी लूज लगेगा तो आप नीचे से इसको जहाँ पे आपकी यू पिन गई है वहां पे बॉबी पिन डालो तो वो और टाइट हो जाएगा। सेम यहाँ से भी इन आउट। स्पेसिफिक लेस के लिए 7 नंबर काम नहीं आएगी, इसके लिए बड़ी वाली चाहिए। एरिया बड़ा है ना, ये यहाँ से हम कहाँ तक जाना है आपको, रबर बैंड तक जाना है तो ये टाइट होगा। फिर इसके लिए जितना बड़ा रहेगा ना उतना अच्छे से लॉक हो जाएगा। पूरा सेक्शन स्प्रेड करना है तो सिर्फ इसको नहीं खींचना है, आपको क्या करना है पूरा फिंगर और थंब को लेके पूरा अच्छे से स्प्रेड करो। सिर्फ टुकड़े बाल है इसके लिए कवर करने के लिए आपको छोटी नेट काम आएगी। ये एंगल ओपन है अभी भी हमारे, इसको भी लॉक करेंगे। अभी 7 नंबर की यू पिन लेंगे, यहाँ से हेयर लेके इसको लॉक कर देंगे, यहाँ से भी हेयर लेके इसको लॉक कर दो। अभी टुकड़े टुकड़े हैं, नहीं है तो आप इसको स्प्रे करके लॉक कर दो। किसी के फाइन हेयर होते हैं, किसी के बहुत टुकड़े बाल रहेंगे तो आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते टुकड़े बालों को। इसका शेप मुझे पता है और ये भी पता है कि ये एग्जैक्ट बैठ जाएगा, तो सिर्फ टुकड़े बालों को हाइड करने के लिए हमने ये नेट लगाई। इसके लिए आपको जब ओवरलैप करना है कोई चीज़ को दिखाना नहीं है, बार बार नहीं आते टुकड़े है, उसके लिए आपको ये नेट काम आएगी। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड, अगर हमारे पास स्टफिंग अवेलेबल नहीं है या बालों में वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा है, बन बनाना है उनके ही बालों का। अब मेरे जितने बाल आएंगे तो क्या बन बनाओगे और क्या वेरिएशन के लिए रखोगे, तो तभी आपको एक्सटेंशन ऐसे एक्सटेंशन नीचे रख के, मेरे जैसे बाल आएंगे दो बाल है और मुझे ये बालों का बन में वेरिएशन करना है, या तो मैं एक्सटेंशन लगाऊंगी ऐसे बड़ा वाला एक्सटेंशन लगाऊंगी, या दूसरा ऑप्शन है अगर मेरे पास क्रिम्पिंग करने के लिए टाइम है तो ये मैंने क्रिम्पिंग किए हुए हेयर है तो यहाँ पे ये रख के मैंने इन्हीं बालों का वेरिएशन करना है, तो आपका ये स्टफिंग काम आएगा। अभी मैंने नीचे है इसको हमें ऊपर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कहाँ आएगा मेरा और वेरिएशन मेरा इतना सर। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये बालों को ऊपर लेना पड़ेगा हमें, ये बालों को ऊपर लेके फिर नीचे ये जाएगा। सेम पैटर्न यूज करेंगे ऊपर लेने के लिए भी। बड़ी वाली बॉबी पिन ली है और एक रबर बैंड, पहले तो बालों को ऊपर लेंगे। यहां से लिया, ये ऊपर आया, इसको ऊपर होल्ड करेंगे आगे की साइड और नीचे यहाँ पे ये पोर्शन जो बचा है वहां पे हम हमारा यही साइज का स्टफिंग को ऐड करेंगे, ये है ना। तो ये भी काम होता है, इनके ही बालों का वेरिएशन के लिए यूज करो और स्टफिंग डाल के काम करो। दूसरा ऑप्शन है अगर आपके पास ये नहीं है, बड़ा वाला एक्सटेंशन है तो आप ये पोनी स्टाइल एक्सटेंशन यूज करके इनके बालों का स्टफिंग बनाओ तो कर सकते हो। इन ये रेडीमेड डालूंगी, इनके बालों को बन में कन्वर्ट कर दूं। तीसरा ऑप्शन होता है अगर क्लाइंट के पास
ऑलरेडी बालों का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बीच के बालों का ग्रोथ है बहुत ज्यादा है, बन बनाऊंगी और बालों में वेरिएशन करना है तो दोनों के लिए मैं यूज कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? एक तो इसके वन लेंथ हेयर है, पूरा वन लेंथ, तो पफ के भी जो बाल रहेंगे वो भी बड़े ही रहेंगे और उसके नीचे के ओरिजिनल हेयर है वो भी बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाल है उसको मैं आधा कर दूंगी, हाफ में डिवाइड कर दूंगी। यही बालों का दोनों मर्च हो गए, मेरे पफ वाले बाल और ये बाल। हम क्या करेंगे, इसी बालों में से जितना बाल हमें वेरिएशन के लिए चाहिए मैं उतने बालों को ऊपर रख दूंगी और इसका बन बना दूंगी। तो ये मेरा बन भी बन जाएगा और ऊपर के बाल वेरिएशन के लिए भी काम हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा ना स्टफिंग डालने की जरूरत पड़ी, ना मुझे वो पोनी स्टाइल एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी, कुछ जरूरत नहीं पड़ी। कब काम आएगा, जब हेयर में ग्रोथ ज्यादा है, बहुत बड़े बाल है, तब आपका काम आता है, नहीं तो फिर सब में आपको एक्सटेंशन या कुछ ना कुछ यूज करना है। ठीक है, अभी कैसे बनाना है पहले तो मैं एक सेक्शन यहाँ पे निकाल देती हूँ। इनके ही बालों में अगर स्टफिंग बनाना है तो कैसे बना सकते हो, दो तरीका है स्टफिंग बनाने का। फर्स्ट छोटे छोटे सेक्शन लो और ये ऐसे पीछे से आगे, ये फर्स्ट वे है। पूरे बालों का ऐसे बैक कॉम्बिंग करो, ये हुआ सॉफ्ट, इस पे हार्ड स्प्रे करना। दूसरा है छोटा छोटा पतला पतला सेक्शन लो और ऐसे, इससे भी इनका एक रफ टेक्सचर और बाल साथ में आ जाएंगे। अगेन एक दो और फिर इसको जो शेप चाहिए वो शेप में आप कन्वर्ट कर दो तो भी बन गया। हार्ड स्प्रे करना है बट ये ऐसे ही नहीं रखना, इसको अच्छे से हार्ड स्प्रे करो, जितने भी एंगल बनाए हैं उतने एंगल। सी कैसे ले रही हूँ, एक 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 करने की जगह पे मैंने इसी को सारे एक साथ करके, क्योंकि कभी कभी ये तो चार बाल है, किसी के बाल इतने ज्यादा होते हैं कि इतना छोटा छोटा सेक्शन लेंगे उसमें 10 मिनट निकल जाती है बैक कॉम्बिंग करने के लिए, और वो इतने बड़े बाल रहते हैं कि हैंडल कहाँ करें, बैक कॉम्बिंग करने के बाद भी कितना बैक कॉम्बिंग, और बन बनाने में वो छोटा चाहिए वो छोटा बनेगा ही नहीं। तो तब जाके आपको ऐसी बैक कॉम्बिंग करनी है जो चार पार्ट स्ट्रेट चार पार्ट में आपका काम हो जाए। अब इसको कैसे लेना है अंदर, अभी इसके लिए एंगल करना है हमें, हमारे हिसाब से इसका पफ बनाना है, स्टफिंग क्रिएट करना है। तो बड़ी वाली नेट ली, इसमें एक पिन लगाया, जहां पे मेरा पिनिंग है वहां पे पिनिंग मैंने फिक्स किया। अब मैंने यहाँ पे जो शेप मुझे चाहिए उतने बाल सारे अंदर डाल दिए। इसको टाइट करने के लिए हम इसको क्रॉस करेंगे, डबल लॉक करेंगे। सी डबल लॉक मैंने सिर्फ छोटा नेट करने के लिए किया, अगर छोटा नहीं चाहिए बड़ा साइज चाहिए तो डबल लॉक मत करना। यहाँ पे हुआ, अब ये इसको जिस एंगल में हमें जितना भी बड़ा चाहिए छोटा चाहिए ओवल शेप चाहिए तो मैंने इसको फोल्ड करके ओवल में डाला दिया, बड़ा चाहिए हमने इसको ऐसे लगा दिए। अभी इसको कैसे फिक्स करेंगे, जैसे हम स्टफिंग लगाते हैं ना आर्टिफिशियल, तो वही स्टाइल में आपको इसको भी यहाँ से आउट किया, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन, सब जगह पे ऐसे ही पिन लगा देती है। अगर ये करने के बाद भी अगर आपको लगे कि वॉल्यूम नहीं मिला है तो इसके ऊपर भी आप स्टफिंग लगा सकते हो। अभी ये सपोज ये देखो कितना छोटा हो, अब चपटा हो गया क्योंकि बाल मेरे पास इतने नहीं थे, जितने वॉल्यूम वाले बाल चाहिए वो नहीं थे, तो हम इसके ऊपर भी ये लगा सकते हैं फॉर वॉल्यूम।
क्योंकि अगर ओरिजिनल हेयर हमने क्रिया है ऊपर रख दिए तो इतने ज्यादा हेयर बच जाएंगे तो उसका ऊपर वेरिएशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उतने ही रखो जितना आपको वर्क करना है, नीचे बैक कॉम्बिंग में डालो और उसके ऊपर दूसरा। अब ये मोटा है, इसके जगह पर मैं क्या करूँगी, पतला वाला यूज़ करूँगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग साइज से फोल्ड कर दूँगी और फिर लगा दूँगी यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी, तो इसको अंदर जाएगा। ये हाइट नहीं दिया उसने मुझे, जितना चाहिए उतना मिला और काम हो गया, समझा? बाउंस नहीं जा रहा है ना, प्रॉपर क्लियर है, करेंगे तभी। हाँ वही तो है, अभी तो सब इजी लग रहा है। इसके ऊपर ये वेरिएशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी पुलिंग किया है, किसी को सिर्फ सिंपल पुलिंग चाहिए तो भी आप यहाँ पे करके दे सकते हो ऐसे, एक 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 एक। पहले इसको क्लियर करते हैं। ये एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको रूट बैक कॉमिंग। रूट बैक कॉमिंग कैसे हुई, ऑपोजिट, ताकि मेरा स्प्रेडिंग इक्वल स्प्रेडिंग हो और बालों के बीच में गैपिंग ना आए। पहले का गैपिंग कितना था और जैसे मैंने रूट बैक कॉमिंग किया तो बाल सब एक साथ हो गए और फिर स्प्रेड किया, इवनली स्प्रेड भी हुआ और फॉल भी नहीं होगा। इसको सिंपल बन रखना है तो आप इसको हाफ ऑफ में यहाँ से लॉक करते रहे, यहाँ पे टर्न किया, नीचे पिनिंग करके लॉक करो, फिर यहाँ से लो और ये आपका हो गया सिंपल बन। किसी को वेरिएशन नहीं चाहिए, हम बहुत बार से इधर करते फ्रंट करते, जब दुपट्टा आने वाला है तो जरूरत नहीं है तो डाल दो, और फिर इधर गजरा वजरा जो भी टर्न करना है या एक्सेसरी डालनी है तो डाल सकते हो। अगर वेरिएशन करना है तो मैंने यहाँ पे एक 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 पुल कर सकती हूँ। फर्स्ट पुलिंग सी, सेकंड देखो है ना, वो भी करके आप नीचे नीचे इसका पिनिंग कर सकते हो, ये भी अच्छा लगा। सिंपल वेरिएशन, कुछ ज्यादा नहीं करना है, फटाफट देना है, बट ये पुलिंग भी आपका बाल क्रिम्पिंग चाहिए तो पुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जितना एडवांस डालना है उसमें आपकी मेहनत डालनी है तो ही होगा, सिंपल हो जाता है। सिंपल भी तभी अच्छा लगेगा जब उस पर क्रिम्प किया हुआ रहेगा, तो उसमें फिनिशिंग अलग आती है। सिर्फ मैंने जहाँ पे उठाना है वहाँ पे उठाया और यू पिन डाल के उसको रख दिया, ये भी अच्छा लगता है सिंपल। और पुलिंग यहाँ पे, ये पहले इसको हार्ड स्प्रे से लॉक करो। अब इसको हार्ड स्प्रे कैसे करोगे, इसको ऐसे होल्ड करना है और तो ये वो ऊपर रहेगा, ये देखो गिर गया, हाइट में भी डिफरेंस हो जाएगा। इसको उठाओ थोड़ा सा और फिर पिन करो, स्टे हो जाएगा, सारे हो गए हाफ 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 लो और नीचे की साइड में यहाँ पे नीचे से ऊपर पहले यू पिन और फिर उसके ऊपर बॉबी पिन। सिर्फ बॉबी पिन भी नहीं करना है, सिर्फ यू पिन भी नहीं करना है, यू पिन गिर जाएगा, सिर्फ बॉबी पिन टाइट करेगा कभी निकल जाएगा, तो पहले यू पिन अंदर से यू पिन डालो उल्टा। अभी भी हेयर को लॉक करना है तो उसको ऐसे नीचे से ऊपर और फिर यहाँ पे आपकी बॉबी पिन यू पिन दिख रही है उसके क्रॉस में बॉबी पिन, दो पिन काम आए, दो बॉबी पिन काम नहीं आता है, एक यू पिन और एक बॉबी पिन का काम करो तो इजीली होगा और फटाफट होगा। सेम यहाँ पे भी, अभी यहाँ पे किया और इसका भी यू पिन यहाँ पे नीचे। सिंपल वेरिएशन, यहाँ पे सिंपल पुलिंग है, यहाँ पे कभी कभी इतना भी टाइम नहीं होता है, सब जगह पे वेरिएशन वेरिएशन मत करो। अभी आप यहाँ पे करने वाले हो तो इसको प्लेन लो, यहाँ पे पुलिंग किया इसको प्लेन कर दो, आगे वेरिएशन दो, यहाँ पे किया, कभी फ्लावर डेकोरेशन करते हो यहाँ पे पुलिंग दो, यहाँ पे पुलिंग दो, इसको फ्लावर डेकोरेशन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकली
कब करते हैं जब हमारे पास इतना टाइम होता है, क्लाइंट को चाहिए देना है, तो ये हेयर कौन से यूज करो पता है, जो आपके पफ के बाल बचते आते हैं उसको तो आपने किया ही रहता है, वही बालों को इसके लिए यूज करो, ताकि नीचे के पोने के बालों का करना जरूरी नहीं पड़ा, पफ के बालों को ऊपर ही रख देने का, रबर बैंड पोनी में डालना ही नहीं है, क्योंकि आपने पफ के बाल को क्रिम किया ही है, पूरे बाल को क्रिम करके रख देने का पफ के एरिया के बाल को। जब मैंने पिन किया ना, मैंने क्या किया, पोनी के बाल और पफ के बालों को मर्ज कर दिए और फिर मैंने बन, आपको क्या करने का, पफ के बालों को ऊपर निकाल देने का, क्योंकि वो क्रिम्प वाले बाल है, निकाल के नीचे के बालों को हमने अंदर डाल दिया और पफ के जो क्रिम्प वाले है उसको लाइन के लिए यूज कर, तो भी टाइम बच गया। ऐसे करो, तो मर्ज मत करो, दोनों बालों को एक साथ अंदर मत डाल दो। अभी फ्रंट, फ्रंट में भी सिंपल पुलिंग फर्स्ट, सिंपल पुलिंग भी बहुत अच्छी लगती है फ्रंट में, फ्लैट, किसी का फ्लैट है, फोरहेड ऑलरेडी बड़ा है, यहाँ पे ये पार्ट बड़ा है जिसको हमें ये कवर करना है, हमारी ट्रेडिशनल ब्राइड है सिर्फ मांग टिक्का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे और स्प्रेड करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे राउंड होगा, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, ये पार्ट आपका दब जाएगा, तो क्या करना है आपको, पहले इसको हाइट क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैंने सेक्शन को अलग कर दिया, हाँ ये सेक्शन दोनों साइड भी अलग कर सकते हो, कोई भी वन साइड लेना है तो भी कर सकते हो, यहाँ पे एंगल लेना है, ये एंगल है बालों का, बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे और लगा दो, हाइट मिल गई, इसी की हाइट की इक्वल हाइट आई, फिर इसको स्प्रेडिंग के लिए यूज करो, हाइट होगी तो इक्वल हाइट मिलेगी, और अगर आपने यहाँ पे भी पुलिंग की सिंपल और फ्रंट में भी, तो कैसा होगा, आगे से पीछे तक का आपका लाइन पुलिंग दिख के आएगा फुल, तो बैक में कुछ करने की जरूरत नहीं, आर्टिफिशियल कुछ भी डाल दो अच्छा लगेगा। अब इसको मेरे को स्प्रेड करना है, फर्स्ट मैंने ये लिया, क्या करूँगे, सबसे पहला पार्ट जहाँ पे मुझे वेरिएशन स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्प्रे, नीचे मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने वहाँ पे स्प्रे नहीं किया, क्योंकि वो अंदर का पार्ट है बैक को में। अभी इसको कहाँ से लेंगे, हेड शेप पकड़ना है, यहाँ से मेरे को लेना है, पहले यहाँ तक लिया, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, स्प्रेडिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक का फर्स्ट रूल, जहाँ पे होल्ड करना है वहाँ तक आपका हैंड मूवमेंट, ये पार्ट स्ट्रेट और यहाँ से पकड़ो और स्प्रेड करो, आगे भी स्प्रेड होना चाहिए, ये पार्ट दिख के नहीं आना चाहिए आपका अलग से है, तो ये कैसे हुआ, यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो यहाँ से आपका बल पफ का पुलिंग, यहाँ से आपका फ्रंट पुलिंग होगा, इसको होल्ड पुलिंग करना है तो आपको इसको लॉक नहीं करना, अगर ऐसे प्लेन रखना है तो लॉक कर दो, बट इसमें अगर पुलिंग करना है, इसको क्रॉस किया और मैंने इसको होल्ड किया, अब इसको, या अगर होल्ड नहीं है तो आप सिंपल आपका वुडन स्टिक यूज कर सकते हो इसको होल्ड करने के लिए, यहाँ पे ऐसे, तो ये खुला रहेगा, पूरा ले सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी इतना इतना ही खींचना है बस, हाँ अगर आगे अच्छा खासा खींचना है तो क्या करोगे, फ्रंट ज्यादा खींचो, फ्रंट खींचा ऊपर, इसको क्लियर करो, फ्रंट खींच के पहले यूपी, यहाँ पे ऐसे, और फिर इसको डाउन करो, तो ये ऊपर और यहाँ से नीचे फुल, आगे से पुलिंग, पीछे पुलिंग, फुल पुलिंग में दिखे, बट याद रखना यहाँ से भी ये शेप इक्वल और यहाँ से भी इतना ही आना चाहिए, ये इधर तक आ गया और ये इधर से नीचे तक, तो वो भी नहीं चलेगा, जो एंगल है आपका दोनों एंगल इक्वल आना चाहिए, ये एक ध्यान रखना, तो यहाँ से जब लोगे देख लेने का ये कितना ऊपर है, उतना ही ऊपर इतना आना चाहिए, कभी कभी ये नीचे तक रहता है और ये यहाँ तक आ जाता है, तो भी पीछे से दिख के आएगा ऊपर नीचे है, तो सेम होना चाहिए, फर्स्ट टाइम, सेकेंड बाउंस नहीं जा रहा है ना, कि प्रैक्टिस करनी है पहले इतनी, करनी है इतनी पहले प्रैक्टिस, क्या भी दिखाओ, एक दिखा देती हूँ उसे,
दो फ्रंट वेरिएशन एंड पर फॉर बन. यहाँ से पार्टीशन लिया, अब मुझे ट्विस्ट करना है. पहले फर्स्ट पूरा ट्विस्टिंग सिखाना, एक ही ट्विस्ट में काम करना है. यहाँ पे क्रॉस बैक कॉमिंग, क्रॉस बैक कॉमिंग एंड स्प्रे करके ऊपर प्रेस करो. ऊपर प्रेस किया, हैंड मूवमेंट देखो. यहाँ से फुल ट्विस्ट करके आगे जाएंगे. तो यहाँ से ट्विस्टिंग स्टार्ट हुआ. नॉर्मल लेती तो क्या होता था, ये फ्लैट होके नीचे से हो. ऊपर से करना है या तो आप दो बार करो, फिर से दिखाओ, फिर से हैंड, या दो बार करो. अगर एकदम ऊपर से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से चाहिए तो दो पार्टीशन में डिवाइड करो, पहले आगे का करेंगे. ये ऐसे रखना है, फिंगर मूवमेंट देखो. फिंगर टर्न किया, ये टर्न हुआ, नीचे 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 खींचो. फर्स्ट इधर से स्टार्ट हुआ तो मेरा ट्विस्टिंग यहाँ से मिला मुझे. सी कैसे खींच रही हूँ, मिडल में खींच के क्लियर कर रही हूँ. एकदम फटाफट काम होगा. हाफ हुआ, अब मुझे पूरा लेके जाना है ना, ये पार्ट का यूज़ करूँगी अभी. हो गया वो भी मर्ज. ये एक हुआ, एक ही किया मैंने. ये ऐसे ही डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो. ट्रिपल में तीन अलग अलग लेयर, ट्रिपल साइड वेरिएशन में ज्यादा बेटर है. मिडल में दो ही अच्छे लगेंगे. फर्स्ट हाफ ऑपोजिट भी कर सकते हैं. ये पहले पूरा पीछे वाला दिखाती हूँ. बैक है, बैक में बैक कॉमिंग कैसे लोगे, हैंग मोमेंट. यहाँ पे ऐसे इसको मैंने ट्विस्ट किया, फिंगर पे है पूरा खेल. नीचे 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 नीचे, सिर्फ इतना करके छोड़ दोगे, पुलिंग नहीं करने तो भी चलेगा. एक ही फिंगर, हाँ, फर्स्ट फिंगर से पूरा टर्न. यूपिन पुलिंग करना है तो यहाँ पे यूपिन से होल्ड करके या हाथ में पकड़ के रखो तो भी चलेगा. एक ही हाथ का काम है इसमें तो पुल करना. ये देखो छोटा सेक्शन है तो ज़्यादा दोनों हाथ का जरूरत भी नहीं है. बीच में से खींच रही हूँ और ये देखो है ना. फिर इसको यूपिन लगाओ और एक 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 को स्प्रे करो. ये हो गया दोनों बैक. अभी यहाँ से दूसरा ले लो. फॉरहेड इधर ज़्यादा है तो यहाँ से ये मिडल ऑफ द आईब्रो से एंडिंग पार्ट से आप यहाँ से इसका कर्ल छोड़ सकते हो. तो क्या होगा, कर्ल्स की वजह से ये पार्ट जिसका एक्स्ट्रा रहेगा वो हाई हो जाएगा. पूरा ऊपर तब नहीं लेने का. तो बालों से भी हम कॉन्टोर टेक्निक कर सकते. सी फर्स्ट फिंगर टर्न किया एंड नीचे 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 निकल. अब जो फर्स्ट वेरिएशन था ना, जो उसका दो पार्ट करना है ना, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे फर्स्ट हाफ एंड सेकंड, हाफ एंड सेकंड, ये सेपरेट करना, पूरा सेपरेट वन में. अब मैंने ये दोनों बैक लिया, अभी हम दोनों को ऑपोजिट भी कर सकते हैं. ऑपोजिट करना है तो ये वाला तो अंदर ही होना चाहिए. ऐसे ऑपोजिट नहीं करेगा कि ये अंदर और ये बाहर, तो बीच का गैप लाइन दिख के आएगी. तो ऑपोजिट क्या होता है, अभी इसमें मेरा ऑपोजिट पीछे वाला पार्ट आगे जाएगा. ये भी बहुत